हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित्रा और मैं आपके लिए आया एक शानदार वीडियो जिसमें मैं आपको तीन ऐसी ट्रिक बताना चाहूँगा जिससे आपका ब्रेन शार्प होने लगेगा। इसे आप कंटिन्यूसली कंप्लीट करेंगे, एक एज अ टाइम टेबल में आप ऐड करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर अच्छा असर डालेगी। तो इन चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने ब्रेन को शार्प करना है तो आपको पज़ल टाइप एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। पज़ल टाइप एक्टिविटीज़ आप कहीं गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो पज़ल्स टाइप में आपको मिल जाएगी। और पज़ल्स देखिए किस तरीके से आपके ब्रेन पर कितना अच्छा असर डालते हैं। अगर दिन का 25 मिनट अगर आप पज़ल्स टाइप डूइंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको कम से कम आपके आईक्यू में 4 पॉइंट्स का बढ़ते हुए इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और इसी तरीके से मैं पज़ल से रिलेटेड आपके लिए सेकेंड चीज़ जो लाया हूँ वो है chess.com। ये एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है जिस पर आप चेस बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। इस पर ग्रैंड मास्टर लेवल के प्लेयर्स भी आते हैं। तो आपको शुरुआत में सीखने के लिए छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा और आप ये धीरे 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 अगर खेलोगे तो आपके ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा असर जाएगा। मैं इसे रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो सेकेंड ये। और थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्यूब सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करें। जैसे क्यूब में एक पज़ल टाइप ही होता है वो, और देखिए वेल इन केस यू डिडंट नो अबाउट दिस, रूबिक्स क्यूब इज़ वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशन टू इंक्रीज आईक्यू लेवल इन किड्स। सो ये जो क्यूब है ये बच्चों के ऊपर ब्रेन पर बहुत अच्छा असर डालता है। तो डेफिनेटली आप इन तीन चीज़ों को फॉलो करके आपके ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।